الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى مالك مختار جسے چاہے بخش دے جسے چاہے عذاب دے وتعز من تشاء وتذل من تشاء کبھی چھوٹی سی نیکی پر بخش دیتا ہے تو بسا اوقات چھوٹی سی خطا پر پکڑ فرما لیتا ہے लिहाजा किसी नेकी को छोटी समझ कर तर्क ना किया जाए और छोटे से गुनाह भी ना किए जाए। मुहर्रम के एक दिन का रोज़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। मुहर्रमुल हराम के हर दिन का रोज़ा एक माह के रोज़े के बराबर है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम रूह मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अशूरे के दिन खुद भी रोज़ा रखा और दूसरों को रखने का इरशाद फरमाया और साथ में यह भी फरमाया कि 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखो और इससे पहले या बाद में भी रोज़ा रख लिया करो ताकि यहूदियों से मुशाबत ना हो। एक साल के गुनाह हज़रत सैयदना अबू क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे अल्लाह ताला पर गुमान है कि अशूरे का रोज़ा एक साल के गुनाह बख्श देता है। जो अशूरे के दिन रोज़ा रखे उसे चाहिए कि वो 9 मुहर्रम या 11 मुहर्रम का रोज़ा भी साथ में रख ले, जैसा कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अशूरे के दिन का रोज़ा रखो और इसमें यहूदियों की मुखालफत करो, इससे पहले बाद में भी रोज़ा रख लिया करो। हदीस मुबारक में बहुत से ऐसे अमाल बयान किए गए हैं जिस पर अमल की बरकत से रिस्क में बरकत होती है। हमें चाहिए कि नेक अमाल करके रिस्क में बरकत के हकदार बने। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने अशूरे के दिन का रोज़ा रखा अपने घर में रिस्क की फराकी की उस पर सालासार फराकी रहेगी। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान फरमाते हैं कि बाल बच्चों के लिए 10वें मुहर्रम और हराम को खूब अच्छे अच्छे खाने पकाए जाएँ ताकि घर में साल भर बरकत रहे। हजरत शहीद करबला इमाम हुसैन की फातिहा करें बहुत मुजरब है। इसी तारीख को गुसल करें तो तमाम साल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बीमारियों से अमन में रहेगा। अब जमजम तमाम पानियों में इसी दिन मिल जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।